दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूरोप और अफ्रीका के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मात्र 14 किलोमीटर। फिर भी ये दोनों मैसिव कॉन्टिनेंट किसी वजह से नहीं जुड़े हैं, पर क्यों? पहले इसकी ज्योग्राफी को देखते हैं। अफ्रीका और यूरोप के लाई करता है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ने का काम करता है। यह स्ट्रेट लगभग 55 किलोमीटर लॉन्ग और 14 to 44 किलोमीटर ब्रिज हो सकती है। पर अफ्रीका और यूरोप इसमें ब्रिज क्यों नहीं बना रहे हैं? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन पहला है जियोग्राफिकली स्टेट की विड्थ भले ही ज्यादा ना हो, पर इसकी डेप्थ काफी ज्यादा है, अराउंड 3000 फीट। तो ऐसे में यहाँ पर किसी ब्रिज का स्ट्रक्चर, बड़ा सपोर्टेबल स्ट्रक्चर तैयार करना काफी चैलेंजिंग है। सेकेंड है अर्थ क्विक और सुनामी का डर। तो यहाँ पर बनने वाले कोई भी ब्रिज, एरेजोर जिब्राल्टर और फॉल्ट, एडवांस न्यू ब्रेन चैट टेलीस्कोप प्रोड्यूस इवन बेटर इमेज ऑफ द यूनिवर्स अटकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे, इसका फुल फॉर्म है। यह एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसमें 66 एंटीना है और ये लोकेटेड है चाइल्ड के अटकामा डेजर्ट में। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अपडेट होने के बाद यह शार्प इमेज प्रोड्यूस करेगा और सुपर कंप्यूटर इसमें यूटिलाइज किया जाता है, जिसकी वजह से जब आप इसे अपग्रेड कर देंगे उसके बाद अगले 10 सालों में इम्प्रूवमेंट की ऑब्जर्वेटरी पॉसिबिलिटी इंक्रीज होगी और 4 गुना क्वालिटी वाली इम्प्रूव्ड इमेज को देगा। इसके साथ साथ ये चाहे बादल हो, डिम लाइट हो या दूर गैलेक्सी को हो, आसानी से ऑब्जर्व करेगा। इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिविटी की वजह से डिम